ये दुनिया एक बगीचा है, इसे सहेजने, सजाने व बचाने के लिए हर दौर में एक माली की जरूरत होती है। भारत रूपी बगीचे को जिन मालियों ने सहेजा, सजाया व बचाया, हम उन्हें आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचाने में कितने सफल हुए। जाति धर्म के नाम पर शोषण, लैंगिक भेदभाव, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे अनगिनत कांटों को जिन्होंने हटाया, आत्मसम्मान रूपी फूल खिलाए, उनमें एक माली ऐसा भी था जिसे क्रांति ज्योति कहा जाता है। हम उस क्रांति ज्योति को कितना और कैसे याद करते हैं। आज शिक्षा जगत से जुड़ा तब का कलम के लिए लड़ने वाले उस शख्स को कितना याद करता है। बराबरी व आजादी के लिए लड़ती महिलाओं को कितना एहसास है उस शख्स के लिए और उसके संघर्षों का। आज के किसानों को पता है क्या कि सदियों पहले किसान का कोड़ा किस शख्स को महसूस हुआ था। शूद्रों अति शूद्रों को गुलामी से आजादी दिलाने वाले इस शख्स को आज बहुजन कितना पढ़ते और जीते हैं। 21वीं सदी के युवाओं की रोजमर्रा की जिंदगी में उस माली की क्या अहमियत। इन सवालों के बरक्स आज हम बात करेंगे भारतीय पुनर्जागरण के अगुआ, राष्ट्र निर्माता, क्रांति ज्योति, ज्योतिराव गोविंद राव फूले पर। अभिवादन स्वीकार करिए लक्ष्मण यादव का और स्वागत है आपका सामाजिक न्याय की पाठशाला में।